हाँ मैं तुझे बताऊंगी, तू फरजाना का दिमाग सही कर दी। हाँ तू फिक्र नहीं कर, चल अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। सुंदर, अरे लड़का तो अच्छा मालूम होता है, इकलौता भी और कम उम्र भी, बस एक नौकरी का मसला है। क्या हुआ अम्मा? ये मसला नहीं है, इकलौता है, मकान तो उसके नाम हो ही जाएगा और दुकान, दुकान तो है ही इसके अब्बा की। अरे मालूम तो करो, घर के नाम है भी कि नहीं। सब्र करें, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मुट्ठी में आया है, पिछली बार भी आपकी जल्दबाजी की वजह से जुबैर हमारे हाथों से निकल गया था। अरे ठीक है, जो करना करो, बस एक बात का ख्याल रखना, लड़का हाथ से ना निकले। मैं तेरे लिए ऐसा ही घर चाहती थी, अकेला है, माँ बाप कब तक जिंदा रहेंगे? अम्मा तुम फिक्र नहीं करो। मम्मी। हाँ बोलो बेटा। एक बात तो बताएं। हाँ बच्चे क्या बात है? हमारा घर किसके नाम पर है? क्या बताएं ना, किसके नाम पर है? बेटा हमारे बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। फिर भी अम्मा बताएं तो सही, किसके नाम पर है? बेटा तुम्हारे ही नाम पर है। वाकई? हाँ हाँ। उस दिन मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि घर मेरे ही नाम पर है, फिर सुंदस भी यही चाहती थी कि घर मेरे नाम पर ही हो। मैं बहुत खुश था कि अब मैं और सुंदस शादी कर सकते हैं। अब सिर्फ अम्मा अब्बा से सुंदस के बारे में बात करना बाकी थी। मैं जानता था कि अम्मा अब्बा मेरी बात नहीं टालेंगे क्योंकि मैं इकलौता था। और फिर जब ये बात मैंने सुंदस को बताई तो अच्छा सुनो, तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। हाँ बोलो। घर मेरे नाम पर। तुम्हें कैसे पता? मैंने अम्मा से पूछा था, वो कह रही हैं घर मेरे ही नाम पर है। वाकई राहिल? बस तुम एक बार कागजात देख लेना। अरे कागजात क्यों, अम्मी ने कह दिया ना। जान मैं जानती हूँ, बस इसलिए कह रही थी कि शादी के बाद हमें कोई परेशानी ना हो। अच्छा देखो राहिल, मुझे गलत मत समझना, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। सुंदस की बात सुनकर मुझे भी तशवीश हुई और मैंने सोचा कि मुझे भी घर के कागजात देखने चाहिए। अम्मा को मुझ पर शक तो हो गया था। अरे कुद्दूसी की लड़की को देखा तुमने? ना शक्ल ना सूरत ना अच्छी तरबियत। अब पिछले माह उसका ब्याह हो गया और अगले माह अमरीका जा रही है, किस्मत तो देखो। हाँ हाँ कोचिंग गई थी, वही फंसाया होगा। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, अभी सुंदस आ गई है। हाँ हाँ दुआ करो, एक बात चल तो रही है रिश्ते की, हो जाएगी तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। अच्छा फरजाना खाला थी क्या कह रही थी? अरे छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने लड़के से मकान की बात की? हाँ की थी, कह रहा था अम्मा ने कहा है कागजात उसके नाम पर हैं। कागजात जरूर देख लेना। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ मैं ये मकान बेच के तुम्हारे साथ रह लूँ, ये बात पे पक्का कर लेना उसको। अम्मा तुम फिक्र नहीं करो, लड़का पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है। तू ही बता यार अब क्या करूँ, अम्मा को वैसे ही मुझ पर शक हो गया, अब दोबारा कागजात की बात भी नहीं कर सकता। अबे यार तूने सुंदस के बारे में घर में बताना ही था ना, तो बस बोल देना इसीलिए कागजात देख रहा हूँ। मैं पागल हो गया क्या? अम्मी को पता चलेगा कि लड़की घर की डिमांड कर रही है शादी के लिए तो कभी नहीं मानेंगी। देख बेटा इसके अलावा तेरे पास कोई और तरीका तो है नहीं कि अम्मा अब्बा की गैर मौजूदगी में कागजात तलाश करो और देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। मुझे मुनीर का मशवरा अच्छा लगा था, इसीलिए उस दिन जब अब्बा दुकान पर गए और अम्मा सौदा लेने गई तो मैंने घर की तलाशी ली। मैंने हर जगह कागजात तलाश किए, सारी जगह छान मारी लेकिन कागजात कहीं नहीं मिले। मैं
बहुत परेशान हो गया था, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा ने कागजात कहाँ छुपा कर रखे होंगे। लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं अम्मा से सुंदस के बारे में ज़रूर बात करूँगा। अम्मी बात सुने। बोलो बेटा। अम्मी बैठे तो कुछ बात करनी है। बोलो मेरे बच्चे, क्या बात है? अम्मी वो एक लड़की को पसंद करता हूँ मैं, सुंदस नाम है उसका, इसी मोहल्ले में रहती है, अच्छी लड़की है अम्मी। अच्छा, क्या उम्र है उसकी और क्या करती है वो? मेरी एज की है और सेकंड ईयर में। और कौन कौन है उसके घर में? अम्मी के साथ रहती है और अब्बू की डेथ हो गई उसकी। अच्छा, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी, लेकिन देखो उस लड़की से ना कोई वादे वाइद मत कर लेना तुम, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा वो हो जाएगा। थैंक्स अम्मा। अब तुम आराम करो और ये रख दो मोबाइल। हेलो जान, कैसे हो? बहुत अच्छा और बहुत खुश। क्यों, क्या हुआ? मैंने आज अम्मा से तुम्हारे बारे में बात की थी। फिर? उन्होंने कहा कि वो अब्बा से बात करके बताएंगी। मेरा दिल कह रहा है कि हमारी शादी जरूर होगी, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों, क्या मतलब? राहिल, अम्मा की जानने वाली आज एक रिश्ता लेकर आई थी। तो जो लड़का अम्मा को उन्होंने बताया है वो अम्मा को पसंद आ गया है। तो क्या तुमने अम्मा को मेरे बारे में नहीं बताया हुआ था? बताया बता भाई, लेकिन एक मसला है। अब क्या मसला है? फोन पर नहीं बता सकती, हम कल मिलेंगे। अरे अभी बताओ ना, तुम्हें पता है मुझे परेशानी होती है। कहाँ ना, फोन पर नहीं, हम कल मिलेंगे उसी पार्क में सुबह 11 बजे। ओके ठीक है। अच्छा मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। लव यू। मी टू, गुड नाइट। एक तरफ अम्मा के जवाब ने मुझे खुशी दी थी और दूसरी तरफ सुंदस की बात ने मुझे परेशान कर दिया। मुझे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, मैं ये सोच रहा था कि कहीं मैं सुंदस को खो ना दूं। तमाम रात बेचैन रहा, मैं ये सोच रहा था कि वो कौन सी ऐसी बात है जो सुंदस मुझसे मिलकर ही करना चाहती है। मैं सुबह का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। आप क्या ये लेके बैठ गए, आप मेरी बात तो सुन लें। मैं आपसे कह रही थी ना कि आप उसको समझा लें। मुझे क्या पता था? ये सब आपका ही किया धरा है। अगर आप उसके ऊपर एक नजर रखते ना तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। हम दोनों में से एक को उस पर नजर जरूर रखनी चाहिए थी। हम दोनों के लाड और प्यार से वो बिगड़ गया है। मेरा तो अकलौता बच्चा है, पता नहीं वो लड़की कौन है, क्या जात है उसकी, मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करूं, मेरा कुल सरमाया है मेरा बच्चा। फिर मेरा भी तो दिल चाहता था ना कि मैं अपनी पसंद की बहू लाऊं। और पता है आपको, उस दिन तो वो इस घर के कागजात अपने नाम करवाने की बात कर रहा था। कागजात, इसकी उसे क्या जरूरत पड़ गई? पता नहीं, ये जरूर उस लड़की के चक्कर में ही कर रहा है। उसी लड़की ने वरगलाया मेरे बच्चे को, मगर मेरा बच्चा तो बहुत सीधा साधा था। वक्त से पहले परेशान मत हुआ करो, ऐसा करेंगे कि राहिल से बैठकर इत्मीनान से बात करेंगे, अगर वो लड़की अच्छी है तो देखने में क्या हर्ज है। हाँ ये भी ठीक कह रहे हो। बस अब तुम आराम से रहो, समझे? बस आप तो अपने काम में ही लगे रहे। काम भी तो करना होता है ना।